देख के अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। जैसे भी मैं आप लोग को ऐसा वीडियो छोड़ सकूँ तो आप लोग पहले पहले देख सके, इसीलिए बेल आइकन दबा रख देना, ठीक है भाई लोग। ये फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट का है, मतलब इसको रिपेयरिंग करने के लिए लाया है, ये गाड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए लाया है, इसीलिए आप लोग को दिखा रहा है मैं, क्योंकि ये रिपेयरिंग करेगा। रिपेयरिंग ये ऑलरेडी कंप्लीट, ये इसका रिपेयरिंग हो गया है, इसको मतलब सिर्फ अभी दूसरा साइड में भेजने वाला है, उसको काम आ रहा है, उसका मतलब काम हो रहा है उसका, फिर भी दूसरा साइड में भेजेगा इसको, इधर काम नहीं होगा, दूसरा साइड में काम होगा उसका। इधर सा भी लगता है ये मीटर, जैसे गाड़ी का आगे में मीटर रहता है ऐसा वाला मीटर यही है। तो इंजन ए है, ये इंजन है इसका, और ये मीटर है, और ये हाइड्रोलिक का टैंकी है, मतलब ये गाड़ी हाइड्रोलिक से चलता है, जो भी हो ये सब हाइड्रोलिक है ना, ये सब चीज़ चलता है। ये स्टीयरिंग का है, ये दोनों ऐसा करेगा तो आगे जाएगा, ऐसा करेगा तो पीछे जाएगा, ऐसा करेगा तो एक साइड जाएगा, ऐसा करेगा तो एक साइड जाएगा, मतलब वो स्टीयरिंग से करता है, ये है ना स्टीयरिंग, ये देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना स्टीयरिंग, ये ठीक है भाई लोग। देख के अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है भाई दोस्तों। डिजाइन का गाड़ी है बाबा, ये देखो सीमेंट भेजने वाला गाड़ी है, सीमेंट का गाड़ी है, इसका इंजन है, ये इसका स्टीयरिंग भी दिखाएगा मैं आप लोग को। ये देखो इसका स्टीयरिंग, मतलब ये इंजन, ये देखो ये सबसे आगे पीछे क्या क्या करता है, ये सबसे करता है, मतलब ये क्या एक्सेल केबल हो गया, ये एक्सेल केबल है, ये देखो इधर एक्सेल केबल है, हाइड्रोलिक बॉक्स है, टैंक हाइड्रोलिक टैंक, ये हाइड्रोलिक टैंक, ये हाइड्रोलिक से चलता है ये गाड़ी, और लंबा निकल जाता है बूम है, ये देख सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है, मतलब इससे ये निकल जाता है, जैसे जेसीपी का निकलता है ऐसे निकल जाता है, इधर आगे में भी निकल जाता है, बहुत लंबा है गाड़ी, सब हाइड्रोलिक से चलते हैं देखो।